विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो है, तो इस गिवन से हमें फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस एट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का वैल्यू क्या होता है। सॉल्यूशन में जो गिवन इक्वेशन है वो नोट डाउन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, तो इस इक्वेशन से हम यहां तक आना है। तो यहां पर हमें एक्स टू द पावर ऑफ फाइव यहां पर दिख रहे हैं, तो हम यहां तक आने का कोशिश करेंगे। एक्स टू द पावर ऑफ फाइव कैसे हम ला सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों उस साइड में ले लेंगे, एक्स और माइनस वन राइट साइड में लेंगे, तब ये बनते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस वन पहले इधर लाने के बाद प्लस वन बनता है और ये प्लस है, ये माइनस बनता है। ओके, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर इक्वल्स वन माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स वन माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर वन समझ लो। तो इसे दोनों तरफ क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तब ये स्क्वायर इधर भी बन रहे और ये स्क्वायर इधर भी बन रहे, तो ये बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ टू होल टू द पावर ऑफ टू मंथ ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन के जैसा ही है। तो ये पावर रूल एक्सपोनेंट का यूज किया तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन बनते, तो टू इंटू टू बनते हैं यहाँ पर, तो एक्स टू द पावर ऑफ टू इंटू टू मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ फोर बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पर वन माइनस एक्स होल स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर के जैसा है वो, ए माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ये क्या बनते हैं ए स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, तब ये बनते हैं वन स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। बट हमें मालूम है एक्स स्क्वेयर का वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स टू द पावर ऑफ फोर इज इक्वल टू वन स्क्वेयर मीन्स वन ही होता है, वन माइनस टू एक्स एज वेल रहने दो, तो एक्स स्क्वेयर की जगह में वन माइनस एक्स रखेंगे, तो वन माइनस एक्स यहाँ पर पुट किया, तभी ये एक्स टू द पावर ऑफ फोर क्या बन रहे हैं, वन प्लस वन मीन्स अब टू बनते हैं, माइनस टू एक्स माइनस एक्स मीन्स माइनस थ्री एक्स बनते हैं। ठीक है, तो हमें एक्स टू द पावर ऑफ फोर मिल गया, तो हमें चाहिए एक्स टू द पावर ऑफ फाइव, तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ एक्स से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ इसको भी और यहाँ पर इसको भी, एक्स से अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो दोनों तरफ, तो दोनों कट हो जाएगा, सेम ही रहेगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में एक्स टू द पावर ऑफ फाइव मिलेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन अगर किया, ये एक्स टू द पावर ऑफ वन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ फोर मीन्स यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन के जैसा है, तो ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल का यहाँ पर अगर दोनों में यूज किया तो एक्स टू द पावर ऑफ यहाँ पर फाइव बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स से दोनों को मल्टीप्लीकेशन दो, टू एक्स माइनस एक्स इंटू थ्री एक्स मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है वन बाई एक्स, वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह में वन माइनस एक्स पुट कर दो, तभी ये एक्स टू द पावर ऑफ फाइव इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री टाइम्स वन माइनस एक्स रह जाएगा, तो थ्री से माइनस थ्री से दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, तभी ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स। ओके, तो हमें यहाँ पर ऊपर आ जाइए, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ रहा है, लाइक टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री अगर हम समीशन कर लिया तो फाइव एक्स बनता है और ये नेगेटिव थ्री टाइम्स वन। ठीक है, तो हमें मिल रहा है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, तो इक्वेशन नंबर टू समझ लो। तो और इक्वेशन नंबर टू का जो है हमें फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस एट डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर टू उसमें, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस एट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ फाइव की जगह में फाइव एक्स माइनस थ्री पुट कर दो और प्लस एट आगे का एज यूजुअल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन नीचे का एज यूजुअल, तो ये बन रहे हैं फाइव एक्स एज यूजुअल माइनस थ्री में प्लस एट अगर रहा तो प्लस फाइव रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन, तो इक्वल्स फाइव कॉमन ले लो
तब ये x प्लस वन रिमेनिंग रहेगा डिवाइडेड बाई x प्लस वन, नीचे तो हाई है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, इक्वल्स हमें मिलेगा 5, यानी x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।